Assalamualaikum. Hi everyone. Hope you all are having an amazing day. I hope आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे. So this is early in the morning और definitely जो first thing हम करते हैं that's the breakfast. और breakfast में जी मैंने बनाए थे pancakes for the kids और मेरे husband के लिए भी. और मैंने छोटा सा experiment किया था. usually all purpose flour जो मैदा होता है उसके बनते हैं pancakes. मैं mostly या oats के बनाती हूँ अपने लिए अगर बनाने हो तो. ये मैंने बनाए थे regular wheat flour जो होता है आटा उसके. तो ये बहुत ही fluffy और बहुत ज़बरदस्त बने थे. इसकी recipe description में ज़रूर check करिएगा. और उसके बाद जी मैंने बच्चों को रेडी किया. और फारिस भी जो है वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है जब रेडी हो जाता है. फटाफट से अपने स्ट्रोलर में बैठ जाता है. फिर इसको होता है कि जल्दी से मुझे बाहर ले जाओ. तो अभी हम जा रहे थे बाहर, कुछ ग्रॉसरी करनी थी, कुछ मीट ख़त्म हुआ हुआ था, कुछ हमारे देसी मसाले ख़त्म हुए हुए थे. तो उसके लिए हमें 2 से 3 डिफरेंट जगहों पर जाना पड़ता है क्योंकि ये सारी चीज़ें एक जगह से नहीं मिलती. और यूजुअली जो है वो मेरे हस्बैंड ही जा के ले आते हैं, लेकिन नहीं बस लाइक कि आप चलो आज साथ. तो ये शॉप्स जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे होती हैं, तो ऑलमोस्ट पूरा सिटी ही जो है ना उसका टूर हो जाता है. और अभी जो है वो हम जाएंगे मीट पिक करने. यहाँ से हम मीट लेते हैं. ये जो हलाल शॉप है हमारी, बड़े प्यारे भाई हैं हमारे, उनसे ही हम जब लेना होता है क्विकली तो हम इधर से आके लेते हैं. और इसके बाद फिर हम गए थे जी देसी मसाले लेने हैं. वो भी दूसरी तरफ शॉप है हमारी इंडियन भाई की, केरला शॉप. मेरे हस्बैंड की वीडियोज़ में आपने देखा होगा. और उसके बाद फिर ही बस लाइक के क्या प्लान है. अभी ये पूछ रहे हैं कि घर जाना है या मॉल जाना है, क्योंकि सर उनकी बर्थडे आ रही है. तो उसके लिए हम थोड़ी सी शॉपिंग कर रहे थे, उनके कुछ कपड़े जूते वगैरह लेने थे. तो जूते पता नहीं क्यों हर जगह पे मोस्टली मैं जिस भी शॉप में जाती हूँ वहाँ पे बेबी गर्ल्स की वैरायटी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बेबी बॉयज़. तो यहाँ पर कुछ मुझे वो नहीं पसंद आया था. और यहाँ पे लगे हुए थे सर उनके कार्टून एज़ यूजुअल. सो ये थोड़ा सा काम डाउन हो गया था, अदरवाइज़ ये बहुत शोर मचाता है. और इसके बाद फिर हम गए थे ऊपर सेंट्रल के रूफ टॉप पे. नीवी का मैंने आपके साथ शेयर किया था पिछली वीडियो में. और यहाँ पे जो है वो सेंट्रल का भी है. और फारिस साहब ने एज़ यूजुअल अपने जूते उतार दिए हुए हैं और मुझे इसके पाँव इतने क्यूट लग रहे थे. मैंने फिर इसको जल्दी से पहनाए, शूज़ भी उतार देते हैं, सॉक्स भी उतार देते हैं. इसकी बड़ी गंदी आदत है. तो बाहर ठंड हो रही थी तो मैंने कहा चलो इसको जो है ना फटाफट से वो करूँ. और फिर उसको ये होता है कि मैंने खेलना फिर ये भूल जाता है ना, अदरवाइज़ जो है ना नहीं पहन के रखता, ये उतार देता है. इसके मैं जूते जो है ना वो ढूंढती रहती हूँ, कभी कोई पाँव कहीं पर घिरा हुआ आता है, कभी कहीं पर घिरा हुआ आता है. तो बस यही हाल होता है. वेदर भी चेंज हो गया है, ठंड हो गई है. और ये मेरा मोस्ट फेवरेट सीज़न है. आई डोंट नो व्हाई, ना ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, बड़ा कोजी कोजी सा फील होता है. आप कहीं पे भी बाहर भी जा सकते हैं, घर में भी अच्छा फील होता है. ज़्यादा ठंड हो जाए तो स्नोफॉल होना शुरू हो जाती है, तो फिर आप बाहर भी नहीं जा सकते. तो हमारे घर जो होते हैं वो उस तरह से वो डिज़ाइन हुए होते हैं. बालकनी तो डेफिनेटली होती हैं, लेकिन वो इस तरह से होता है ना कि आपके पास वही डेली बेसिस पे करने वाले काम होते हैं. सुबह उठो, खाना बनाओ, नाश्ता, लंच, डिनर, घर की साफ़ सफाई, दिस एंड दैट. पूरा वीक यही एक वो रूटीन होती है. और आप बहुत ज़रूरी होता है मेंटली फिज़िकली कि आपकी कोई आउटडोर एक्टिविटी हो. तो वीकेंड्स जो हमारे होते हैं वो हमने कुछ भी हो जाए हमने बाहर जाना होता है. बट ड्यूरिंग द वीक भी मैं समटाइम्स बच्चों को लेके जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती हूँ. लेकिन इस तरह से प्रॉपर जो है ना वो हम जो जाते हैं कि अपना अच्छा खासा सारा दिन हम बाहर स्पेंड करते हैं. अदरवाइज़ अभी यही होता है ना कि घर के पास जो पार्क है वहाँ लेके या फिर ग्रॉसरी करने चले गए, दैट्स इट. अदरवाइज़ वीकेंड्स पे जो होता है वो फिर हम इस तरह से प्लान करते हैं कि हमने जो है ना वो घूमना है अच्छा खासा, कहीं ना कहीं किसी अच्छी जगह पे जाना है. Thank you.
फिर हम लोग आ गए थे बोरीमाल, जो कि ये हमारे घर के पास है, 5 मिनट की ड्राइव है। तो यहाँ पे जो है वो मैं गई थी पहले H&M पे लेने, मैंने कुछ और जाना होता है और हमेशा की तरह मैं लेके कुछ और आ जाती होती हूँ। और H&M होम जो है वो मेरी वीकनेस है, आई डोंट नो व्हाई। इनकी क्रॉकरी जो सेक्शन है और ये जो इन्होंने वुडन सेक्शन रखा है क्रॉकरी का, ये मुझे इतना मज़े का लगता है। लेकिन इनकी प्राइसेस भी काफ़ी मज़े की होती हैं, बहुत कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं, रेंज में आती हैं, लाइक मैक्सिमम 20-25-30 तक प्राइस होती है। लेकिन जब ऑफ डेज लगे हुए होते हैं इनके, तो अच्छा खासा डिस्काउंट भी होता है। तो ये मुझे कटिंग बोर्ड्स और ये वुडन की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, बहुत फैसिनेट करती हैं। और दूसरा ये जो इन्होंने आजकल बड़े ट्रेंडी जा रहे हैं, ये बॉल्स और कप्स और ये वाले जो हैं मग्स, बड़े अर्थी टोन में, आई थिंक ये हैंडमेड होते हैं। और आई थिंक मैंने इस तरह की क्रॉकरी जो है ना वो चाइना में देखी है, चाइना में जो है ना इस तरह की वो पॉटरी मेकिंग करते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद है। और बट डेफिनेटली आप शॉप में घुस जाओ तो आप हर चीज़ उठा के नहीं लेके आ सकते, पॉसिबल नहीं होता ना। लेकिन फिर भी मुझे जिधर से जो समझ में आती है, जो चीज़ जिसके बगैर बस मुझे होता है कि हाँ मैंने ये ज़रूर लेनी है, वो फिर मैं उठा लेती हूँ। और ये बड़े मज़े के मार्बल के बने हुए थे केक स्टैंड्स, बहुत हैवी थे। और बस मैंने यहाँ से भी जो है वो फारिस के कपड़े लिए थे, इसकी दूसरी साइड पे इनका जो है वो किड्स सेक्शन था, तो वहाँ से मैंने कपड़े लिए थे। और ये बहुत ही मज़े के डिफ्यूज़र थे, इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद मैं सिंसे पे गई थी, और सिंसे के बाहर जो है ये बच्चों का छोटा सा प्ले एरिया बना हुआ था। तो मैंने इमरान से कहा कि आप बच्चों को लेके यहाँ बैठे, क्योंकि अंदर जाके ये मुझे कुछ भी नहीं लेने देंगे। तो वो यहाँ पे रुके और मैंने जाके फिर यहाँ पे भी शॉपिंग की। और यहाँ पे फिर अगैन में पहले ही जाते ही जो है वो सिंसे होम साइड पे चली गई, जिनकी होम लाइन होती है। और ये वाला ग्रे मग मैं लेके आई थी, ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। कैंडल्स बड़ी मज़े मज़े की थी, ये जो पिंक वाली थी ना, इसका सेंट इतना मज़े का था। ये मैं लेके आई हूँ, इसको मैं ना भी वो इसको जलाऊँ ना, तो फिर भी इसकी ऐसे बड़ी मज़े की खुशबू आती है, बस बड़ा अच्छा फील होता है। आई डोंट नो, मैं बस पागल हूँ इन कैंडल्स के लिए, मुझे बड़ी पसंद आती हैं। और इनका भी वुडन सेक्शन जो था वो बड़ा मज़े का था। और फिर मैं यहाँ पे बाहर बैठ के वेट करती रही हस्बैंड का, मैंने कहा आप चेक कर लें, अगर आपको कुछ पसंद आता है अंदर से जाके तो आप ले आएँ। और फिर बोरी मॉल के साथ ही ये किबाब शॉप है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किबाब लिए बिना घर आ जाए। और मोस्टली वीकेंड पे ही होता है, ये नहीं है कि हर वीकेंड पे ही जा कर लेके आते हैं, जब निकलते हैं उस तरफ जाते हैं तो ले आते हैं। तो फिर यहाँ से हमने लिए थे किबाब, और उसके बाद फिर हम चले गए थे डेफिनेटली घर, क्योंकि ये हमारे घर के बहुत ही करीब है। और ये देखें जी, इसकी खुशबू इतनी मज़े की होती है कि बंदा इसको जो है ना वो रिजिस्ट ही नहीं कर सकता, बहुत ही यमी होता है ये किबाब, आई डोंट नो व्हाई। और ये रही थी हमारी आज की शॉपिंग, और ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती और आप बोर हो जाते। आई होप आज की वीडियो भी आपने इंजॉय की होगी, इफ़ सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट, शेयर। अपना जो है वो इतने मज़े के आप क्यूट कॉमेंट्स करते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा फील होता है। थैंक यू सो मच। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।